हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक, कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन जैसा कि आप लोग सभी ने सुना होगा, और ये क्लास वन से लेकर पीएचडी तक के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हमारे देश में बच्चे जो इंग्लिश में फेल होते हैं किसी भी इंग्लिश एग्जाम्स में, वो सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ कम्प्रीहेंशन। उनको लगता है कि ये कम्प्रीहेंशन बहुत आसान होता है, हम किसी तरह से कम्प्रीहेंशन पढ़ के उसको पास कर जाएंगे, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे टिक कर देंगे, है ना, और निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 99% स्टूडेंट्स इन इंडिया फेल इन कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन मीन्स व्हाट इज कम्प्रीहेंशन? कम्प्रीहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड, कम्प्रीहेंड। कम्प्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड, समझना। कि जो एक पर्टिकुलर वहाँ पे 200 वर्ड का, 500 वर्ड का, 1000 वर्ड का, 3000 वर्ड का एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है आपको सामने, है ना, कुछ लिखा होगा, उसको पढ़ के समझना है। फिर उसको पढ़ के समझ के उसके ऊपर बेस पे क्वेश्चन होता है, केबीसी की तरह 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शंस की तरह। उसमें 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, 10 क्वेश्चन भी हो सकता है। ये सारे एग्जाम्स में आता है, कम्प्रीहेंशन कंपलसरी है। इवन प्यून एग्जाम में भी आता है, सपोर्ट स्टाफ के एग्जाम में आता है, है ना, सब स्टाफ के एग्जाम में आता है, ऑफिसर्स कैडर में आता है, कैट एग्जाम, जैट एग्जाम, मैट एग्जाम, जितने भी एग्जाम है हमारे देश, जहां भी इंग्लिश एज ए पेपर है उसमें कम्प्रीहेंशन इज कंपलसरी। और जो लोग कम्प्रीहेंशन में पास होते हैं वही इंग्लिश में पास हो सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो आज मैं ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ अपने स्कूल के अंदर, जिसका नाम है हरिश्चंद्र दास नेशनल स्कूल, जो कि मेरे नेटिव पे मैं चलाता हूँ। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ इस सीरीज के, बच्चों को पढ़ाने का सीरीज इस स्कूल के अंतर्गत, जिसके शुरुआत मैं कम्प्रीहेंशन से कर रहा हूँ। और ये कम्प्रीहेंशन सभी क्लासेस के लोगों को जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश अच्छी है तो आप इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और धीरे धीरे करके जब मैं डिस्कस करता जाऊंगा तो आपका देखिएगा, आप महसूस करेंगे कि आपके इंग्लिश में पकड़ बहुत अच्छी हो गई है और आपका कम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा हो गया है। ये अभी बिगनर लेवल का कम्प्रीहेंशन है, बट इसमें भी आपको थोड़ा दिमाग लगेगा। कैसे लगेगा? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज वेरी सिंपल, आई विल ट्रांसलेट इन टू हिंदी इंग्लिश बोथ, ओके। फर्स्ट इन इंग्लिश, माई फादर गॉट मैरिड इन द ईयर 1965 एज आई हैव टेन हियर, ओके। My father got married in the year 1965. मेरे पिताजी की शादी 1965 में हुई। That is the Hindi translation of that. At that time, उस वक्त his age was 27 years. उस वक्त उनकी उम्र 27 साल की थी। मेरे पिताजी की शादी 1965 में हुई। उस वक्त उनकी एज 27 years थी। You are supposed to find out in which year he was born. आपको ये पता लगाना है कि उनका जन्म किस साल हुआ था। Can you find out? Very simple. Pause this video. Try to solve. Think first question. In comprehension, the very first thing is that when you are reading comprehension, it's a tips and tricks also. Your lips should be closed. Always remember, when you are reading comprehension, your lips should be closed, and you are supposed to move your eyes through the sentences and try to understand the meaning of that sentences in the very first reading. If you're able to understand the meaning, that is well and well and good and enough also. That is very nice. And the tricks of comprehension reading is, first always read questions. I have not given here question intentionally, because I want to check first of all whatever English you know, first on the basis of that you try to solve this. Later on, I will start spoken English classes through my learning video also, slowly and gradually, okay? So I have not given any option 1, 2, 3, 4, because this is very simple comprehension. There are no need of any KBC-like options, 1, 2, 3, 4, or ABCD, something like that. So question is very simple. Pause the video, not try to solve. Video ko stop karo, solve karne koshish karo, pause karo usko. My father got married, मेरे पिताजी की शादी 1965 में हुई। At that time his age was 27 years, उसकी उम्र 27 साल की थी। तो in which year he was born? तो very simple to calculate. How you calculate that? Very simple calculation is there. Okay. Now 1965 minus 27. Very simple. So his In which year he was born? He was born in 1938. Very simple calculation. You got it?
Now you solve. The incomprehension, the very important thing is you are supposed to understand the question first. Then on the basis of four options. So I have not given four options intentionally. Later on we will do that when we will increase the level of comprehension. This is very beginner level comprehension actually. Now second question. Let's try to solve this. Okay. Read the question very carefully as I am again repeating this. My mother got married when she was 23 years young. मेरी मदर की शादी मतलब मेरी माँ की शादी 23 साल की उम्र में हो गई जब वो 23 साल की थी. ओके. हर डेट ऑफ बर्थ ईयर इज 1942 मतलब शी वॉज बॉर्न इन 1942 उनकी उनका जो जन्म हुआ वो 1942 में हुआ. इन विच ईयर शी गॉट मैरिड उनकी शादी किस साल हुई. इट मीन्स यू आर सपोज टू फाइंड आउट कि उनका डेट ऑफ बर्थ 1942 है 1942 में. Got it clear? जब उनकी शादी हुई वो 23 साल की थी तो किस साल उनकी शादी हुई. हाउ यू विल कैलकुलेट. पॉज दिस वीडियो फिर से वीडियो को रोको एक बार रोक के देखो सोचो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया. ट्राई टू सॉल्व. इन विच ईयर सी गॉट मैरिड. ट्राई टू सॉल्व अगेन. आई विल रिपीट कंप्रीहेंशन मीन्स टू कंप्रीहेंड टू अंडरस्टैंड. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. इफ देयर विल बी फोर ऑप्शन देन इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. By chance or by choice, whatever. But all this concept should be very clear when you are trying to solve. Because I told in the very beginning, in India, 99% of students fail in comprehension in all exams. And due to this, they are not in a position to clear only because of this comprehension. They are able to clear antonym, synonym. They are able to clear fill in the blanks. They are able to clear other things. Paragraph. Sentence arrangement, sentence completion, close stays, whatever. But comprehension when it comes, they fail. Especially in CAT MAT exam. Very difficult. If you don't know. So it's very simple. How? 1942 add 23. So she got married in the year 1965. Got it? She got married in the year 1965. So these are the two ways through which you are able to solve comprehension. Try at home, pause video and be honest when you are solving all these problems. So thank you so much. May God bless you. The happy beginning.